ये संभ्रम आपको न हो, बोल दूं कि इस मुरली वाले के धाम में डमरू वाले का क्या काम। भक्तजन, आपके श्री चरणों में नमन करते हुए ये संभ्रम दूर कर दूं कि अतीत के 35 वर्षों से अविरल निरंतर मैं प्रति सोमवार को मौन व्रत रखता हूं। आज सोमवार है, मौन व्रत होता है, लेकिन गुरुदेव और महान संतों के आदेशानुसार किसी धार्मिक मंच पर मौन व्रत तोड़ा जाता है तो प्रतिफल बहुत ही अच्छा होता है। उसी आदेश का अनुसरण करते हुए ओम नमः शिवाय मुरली वाले के धाम में डम 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 को आमंत्रित किया, मैंने नमन किया, आए मुख्य धारा में हम जुड़े। व्यासपीठ पर प्रथम प्रवक्ता श्रीमद् भागवत गीता का सुखदेव जी महाराज, उनके पावन चरणों में उनकी छाया तले भक्तिमती श्रद्धा मूर्ति परमादरणीय जिन्हें आप अनेक नामों से जानते हैं पुकारते हैं, गत दो दिनों में धारा प्रवाहित हुई, आप उससे जुड़े हिलोरे लिए। आज तृतीय दिवस है, प्रथम प्रसंग आता है जैसे बिखरे मोती। लोग कहते हैं भगवान विभिन्न चरित्रों का चित्रण है, नहीं, भगवान तो भक्त और भगवान के अवगुंठन है, चिंतन है और समर्पण है। दूसरा है सत्संग विवेक जागृत करता है। बोलिए आरती। तृतीय, जब हृदय पवित्र होता है तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। चतुर्थ, प्रेम करना तो बहुत लोग प्रायः जानते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, शापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। पावन पुनी शापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है।
भागवत भगवान की आरती के पश्चात आइए हम और आप जुड़ जाएं मुख्य धारा में। बिखरे मोती की कड़ी में चतुर्थ है श्रद्धेया के श्री मुख से निकले निश्चय शब्द वाक्य। प्रेम करना तो बहुत लोग प्राय सभी जानते हैं, किंतु निभाना तो मात्र कृष्ण ही जानते हैं। मनुष्य के शरीर में बहुत ही मार्मिक सबको जानकारी वाली चीज है। हम आपने शरीर लिए हैं लेकिन जानकारी नहीं, ध्यान कर ले कि शरीर में रोमावलियां हैं बहुत। इन्होंने उसका अंकन किया है, 3.5 करोड़ रोएं हमारे आपके शरीर में हैं। ये बहुत बड़ी विलक्षण जानकारी है। सबसे कुमुल तत्तुमुल करतल ध्वनि हुई है। इस पर भक्तिमती कहती हैं कि आप 100, 200, 500, 1000 करोड़ की पार्टी होंगे, किंतु मैं 9 करोड़ की हूँ। 9000 भक्ति, प्रत्येक भक्ति 1-1 करोड़ की है। तुमुल करतल ध्वनि, सबसे अधिक करतल ध्वनि 1-1 हजार करोड़, 1-1 हजार करोड़ की 1-1 नौधा भक्ति है। स्त्री का हृदय कोमल एवं पुरुष का हृदय कठोर होता है। मन साधक भी है और बाधक भी है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़। विवेक रूपी लकड़ी से मन को मारो तो मन स्थिर रहेगा। मन को मारने के लिए विवेक, यह कथा नहीं मंत्र है, व्यथा निवारण तंत्र है। ये कथा नहीं हो रही है, एक मंत्र का जाप हो रहा है। इस मंत्र के जाप से व्यथा का निवारण होगा। ये चुने हुए बिखरे मोती के शब्द। अब मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि प्रश्नोत्तर एक प्रसंग है, प्रश्न आपका उत्तर आपका आपसे। ये कड़ी में कुछ प्रश्न आए हैं, मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जो भक्त प्रश्न करता है उनसे विनम्र प्रार्थना है कि अगले दिन निश्चित समय पर, नित्य निश्चित समय पर आएं, लेकिन अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वो ठीक समय पर पधारें, क्योंकि प्रश्नोत्तर की विधा हमारा हमारे कार्यक्रम के प्रारंभ में ही होगी। उसके पश्चात भक्तिमती गंगा ज्ञान गंगा प्रवाहित करेंगी। ये सूचना। सदस्यता फार्म, सदस्यता यानी श्री युगल बिहारी परिकर, एक नाम नहीं बल्कि एक संस्थान है। विगत 25 वर्षों की तपस्या है इस संस्थान की, एक साधना है। उस साधना की साक्षात मूर्ति साधिका के रूप में
आपके सम्मुख हैं, जो एक गार्हस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए हिम्मत जुटाई है कि इस आसन पर बैठकर मैं ज्ञान की गंगा बहाऊंगी। आपने नहीं देखा होगा ऐसा, संत महात्मा, विदुषी, सन्यासिनी, योगिनी, कौन कौन, उनके द्वारा आपने सुना होगा। लेकिन पहली बार संभवतः हम और आप सुन रहे हैं एक उस नारी से जो गार्हस्थ जीवन में अपने को अपने पति, बेटे, बहुएं, नाती नाते उनके साथ जीवन व्यतीत करने वाली आपके सम्मुख हिम्मत करके आई हैं। विशेष प्रकाश मैं उस पर डालूंगा, 7 दिन तक आप देखेंगे, और भी आपने श्रीमद् भागवत सुना होगा, बड़े बड़े नाम चीनों का फक्र होता है हमें, और एक तरह से शर्म भी आती है नाम चीनों का, जहां की श्रीमद् भागवत की कथा श्रीमंत आपके द्वारा होगी। मैं 11 लाख रुपया लूंगा, आप सभी जानते हैं, संभ्रांत समाज के हैं, सब जानते हैं, 11 लाख लूंगा, 15 लाख लूंगा, तब श्रीमद् भागवत कहूंगा। लेकिन यहां उल्टी धारा बह रही है, हमें आदेशित किया गया है कि आप सभी भक्तों से प्रार्थना करें कि जहां भक्तिमती हैं वहां एक नया पैसा भी किसी के हाथ से ना आए। रोम खड़े होते हैं इस विलक्षणता को जानकर। मैं इस कड़ी में आमंत्रित करूंगा अपनी बहन श्रीमती स्नेह गाड़ोदिया जी से कि आप आए, संस्थान की प्राण हैं। बहन गाड़ोदिया युगल बिहारी परिकर की संस्थान है, छाया हैं, कह दूं कि अतिशयोक्ति नहीं होगी, छाया हैं। उन्हें प्रेम से आमंत्रित कर रहा हूं कि युगल बिहारी परिकर के बारे में इनके चुने हुए 2 शब्द। बहन गाड़ोदिया जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ना तो मैं प्राण हूँ, मैं कुछ भी नहीं, बस मैं इतना जानती हूँ कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें एक ऐसा ठौर मिला जहाँ पे ये पूरा परिवार जो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि मैं आपको कह नहीं सकती। बस हम धन्य हो गए इस बम्बई जैसी नगरी में जहाँ पे हम भटक रहे थे, बस हमें एक ऐसा ठौर मिल गया कि बस हम जहाँ हम जाके ऐसे लगता है भाई हमें बहुत बहुत प्यार करते हैं। भाई नहीं, ये पूरा ही परिवार हमें बहुत प्यार करता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जीवन पूरा का पूरा निकल गया, जीवन पूरा का पूरा निकल गया, देखते देखते समूचा चूक गया। अब समय शायद कम बच गया, अब समय शायद कम बच गया, किंतु इस बहती गंगा का रस पीना रह गया। मैं ये चाहती हूँ कि अब ये जो रस गंगा, ये गंगोत्री जो बह रही है, अब समय है इसमें से मोती चुनने का। इसलिए हम जागें, बस जागें, अब इसके बाद समय मिले ना मिले, लेकिन अब इस बहती रस गंगोत्री से समय आ गया है मोती चुनने का। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपके मन में जिज्ञासा होती होगी संस्थान के साथ जुड़ने की, व्यवस्था है, प्रवेश द्वार पर प्रिय पांडे जी बैठे हैं, उनके पास संस्थान के सदस्यता शुल्क फार्म है, सदस्यता फार्म है, कृपया आते समय या जाते समय संस्थान का सदस्यता फार्म आप ग्रहण करें और संस्थान के साथ जुड़ें। एक ऐसा संस्थान है, विशेषकर मैं कहूँ हमारे सामने बहनें अधिक संख्या में नित्य देखता हूँ, यही कार्यक्रम मैं देखता हूँ जहाँ पुरुषों की अपेक्षा बहनों का बाहुल्य होता है। बहुत कार्यक्रमों में हमें आमंत्रित किया जाता है, जाता हूँ, देखता हूँ, लेकिन श्री युगल बिहारी परिकर संस्थान में जब भी गया हूँ हमेशा देखा हूँ पुरुषों की संख्या क्षीण, बहनों की बहुतायत। तो इस समाज के लिए श्रद्धा सिंह ने कल ही कहा है
पुरुष का हृदय कठोर होता है। पुरुष ने इनके लिए एक वाक्य दिया है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पुरुष कठोर हृदय, पुरुष श्रद्धा का केवल रूप दिया है नारी को, नारी मात्र श्रद्धा है नहीं। अगर हम उठा के देखें चंडी दुर्गा काली कौन है, श्रद्धा नहीं वीरता का प्रतीक है। इनके सम्मुख पुरुष हमेशा ओछा पड़ा है, छोटा पड़ा है। मैं भक्त न जाऊं, तेवर हमारी तरफ हो रहे हैं क्योंकि 3:30 बज गया है। परमादरणिया के मनस्थिति को देखते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आए जुड़ जाएं ज्ञान गंगा में, हिलोरों ने उसमें डुबकी लगाएं, जितने मोती हो सके चुने और फिर कल अवश्य निश्चित समय पर आए। संभवतः प्रश्नोत्तरी का कुछ होगा, श्रद्धेया जानती हैं, प्रश्नोत्तरी के लिए हम आपसे पुनः प्रार्थना करते हैं कि निश्चित समय पर आए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राम। वसुदेव सुतम देवम कंस देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे वृंदावनानंद राधिकां परमेश्वरी गोपिकां परमां श्रेष्ठां लाडली शक्ति रूपिणी श्री वृषभानुकुमारिके पदबंधों करजो जे निश्वासर उर्धरे ब्रजवसी नंद किशोर। बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुखदाम जिन परसन के हित रहत लाला हित घनश्याम। राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी मेरे राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी मेरे राधा जुगल बिहारी। श्याम कुंज बिहारी श्याम बिहारी श्यामा कुंज बिहारी
श्यामा कुंज बिहारी मेरे श्यामा कुंज बिहारी जुगल बिहारी सरकार की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विहतकारव आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुगादमृतस्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका मुविभाविका। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवे विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति दद्यादिकं मोहवशात् वोच गोविंद दामोदर माधवे गृहे गृहे गो वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि कटन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति सुखे शयानानि लये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन् निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्ताटि विनाशनानि गोविन्द दामो सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवे श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु
जिमे पिबस्वा मृत मेत देव गोविंद दामो दर माधवे जिमे रसके मधुर प्रिया तुम सत्यं हितं त्वां परम वदामि अवर्णये था मधुराक्षरा गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्ड धरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी की आज्ञा से, श्री गुरुदेव की आज्ञा से, इनके द्वारा दी हुई शक्ति से जो कुछ तोत्री भाषा में बालक जैसे बोलता है वैसे मैं यहाँ से बोल रही हूँ। गुरु जी लोग विराजमान हैं और मेरी एक छोटी सी इच्छा है श्रीमद् भागवत को आगे बढ़ाएं। इसके पहले दो श्लोक जैसे ये लोग सब महात्मा लोग पंडित लोग हैं इन सबको प्रणाम करते हुए मैं ये प्रार्थना करती हूँ आप सब लोग में विराजमान सब परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं कहती हूँ दो श्लोक जिस प्रकार से आप पाठ करते हैं उस सस्वर दो श्लोक आप सब लोगों को सुनने मिले तो दो श्लोक का पाठ करिए। जन्माद्यशय तोन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वराक् तेने ब्रह्महृदा या आदि कवये जहु मुह्यन्ति यत्सूरया सब करिए तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र रिसर्गो मृषा धामना सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोक्षित कैतवोत्र परमो यहो निर्मत्सराणां सता वेद्यां वास्तवमत्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद् कल्पतरोर् गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं
पिबत भागवतम रसमा यहो मुहुर हो रसिगा गो विभा मुहुर हो रसिका भो विभा क्या रस है निगम करीब कतो रसिका उसे कहा जाता है रसिका उसे कहा जाता है कि तुरंत पिया तुरंत स्वाद आ गया रस पीते हैं तो तुरंत स्वाद आता है कि पीछे से आता है तो रसिका और भावुका दोनों शब्द क्यों लगाए दोनों शब्द इसलिए लगाए कि रस तो तुरंत पीते ही जैसे आपने अभी सुना आपको कर्णप्रिय लगा कि नहीं लगा हाँ बहुत सुंदर लगा तो श्रीमद् भागवत का इस प्रकार से रोज 10 से 2 तक सस्वर पाठ कराया जाता है जिसमें से पीते पीते खाली सुनने से पिया जाता है मैं एक जगह गई थी जहाँ पे बहुत बड़े वृंदावन में बहुत बड़े भागवत कथाकार थे उनका अब शरीर नहीं है शांत हो गया किंतु उन्होंने ये कहा कि भागवत को समझने की और सुनने की भी जरूरत नहीं है श्रीमद् भागवत का पाठ करते करते श्रीमद् भागवत आपको रस दे देती ये श्रीमद् भागवत का पाठ सुनते सुनते करते करते जरूरी नहीं हमें समझ में ही आए देखिए बहुत दफ़े आप ये अपन जाते हैं ना साउथ में तो वेंकटेश जी के मंदिर में वहाँ तिरुपति में ऐसे खाली बजता है लेकिन हमको अच्छा लगता है तो ये नाद ब्रह्म है वैसे ही श्रीमद् भागवत का रस तुरंत पी के तुरंत स्वाद लेने लायक है और भावुका का इसके कारण से भाव पैदा होते हैं और भाव पैदा होने के बाद भाव जब पैदा होने लगते हैं तब उसके बाद देर तक उसका रस रहता है जैसे आपके अंदर भाव आ गया कि क्या बात है तो देर तक रस रहता है तो ये रसिका भूवि भावका मेरे मन में आई मेरे को लगा कि जो मुझे सुनने मिले तो आप सबको भी वो रस आए मुझे श्रीमद् भागवत के श्लोकों से बहुत आनंद मिलता है इसलिए मैंने आप सबको भी सुनने के लिए कहा अब मैं आप सबकी आज्ञा लेकर के जो मिश्रा जी ने कहा कि कुछ प्रश्नोत्तर हैं तो वो उनका उत्तर देने पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी कोई प्रश्नोत्तर जिन्होंने किया उसका उत्तर अभी किया जाए या बाद में किया जाए प्रश्नोत्तर बाद में अभी कथा के बाद आधे जने अभी देखिए प्रश्नोत्तरी का अपन ने लिख रखा है पेपर में भी और कार्ड में भी कि प्रश्नोत्तर पर आप लोग कुछ प्रश्न खुद के लिख के दीजिए एक प्रश्न सिर्फ मेरे पास आया है कल से तो एक ही प्रश्न आया है गुरुजी आप अगर कुछ जवाब दें कि कपिल गीता के अनुसार भगवान रहते कहाँ हैं हमें नहीं दिखते आपने कहा भगवान जन जन में है भगवान रहते कहाँ हैं तो हमें कैसे मिले भगवान भागवत से हमें भगवान कैसे मिले मुझे इसका उत्तर देना है मुझे इसका उत्तर देना है मैं चाहती हूँ कि संत के द्वारा मुखारविंद से जो निकलेगा वो सही उत्तर निकलेगा भगवान रहते कहाँ भगवान मिले कैसे माइक लगा हुआ है जिस दर्शन में भगवान की मांग की जा रही है कैसे दर्शन हो उसमें भगवान का नाम ही नहीं लिया गया सांख्य दर्शन कहता है ईश्वरा सिद्धे ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता इसलिए ईश्वर की चर्चा हम करेंगे ही नहीं ईश्वर असिद्धा सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए उसकी चर्चा करेंगे नहीं लेकिन भागवत के कपिल ने जो कुछ वर्णन किया है उसमें ईश्वर को जोड़ा है और प्रक्रिया ये है कि संपूर्ण मानव जीवन और संसार का मंथन किया जाए तो 2 चल तत्व तो सामने आते हैं एक जड़ और एक चेतन चेतन कॉन्शसनेस कैन नॉट बी डिलीटेड इनटू जड़ माने चेतन को अगर हम जड़ में बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते और जड़ को चेतन में बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते ये दोनों अकाट ध्रुव हैं इसलिए जो सांख्य दर्शन है वह द्वैतवादी है सांख्य दर्शन में 2 तत्व माने गए हैं जड़ तत्व चेतन तत्व दोनों का एक दूसरे में विलय नहीं हो सकता है हमेशा ऐसे ही रहेंगे लेकिन विशेषता क्या बताई है कि जड़ में तो क्रियाशीलता होती है और चेतना में क्रियाशीलता नहीं होती भक्ति के माध्यम से कैसे भक्ति के माध्यम से बताइए भक्ति के माध्यम से बता रहे हैं जब थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि बनेगी तभी तो वो बनेगी
तो जड़ चेतन के रूप में कैसे सृष्टि बनी है और किन गुणों का विभाजन कैसे हुआ है, ये गुण और चेतना कैसे आपस में मिलते हैं, ये दर्शन शास्त्र का गूढ़ विषय है, इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन भगवान की जो चर्चा की है कपिल ने, वो इसी रूप में किया है कि सर्वत्र मेरी सत्ता है। दृश्य को देखते 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 जब आप ईश्वर को देखने लगें तब आपका दृष्टापन सिद्ध होगा। यही चीज़ों को देखना है, इसको छोड़ के कहीं कुछ नहीं है देखने के लिए। तो आप दुनिया को, जगत को, संसार को, दृश्य को, ज्ञेय को, ये ऐसा देखो, वैसा सुनो, वैसा समझो कि तुम्हें ईश्वर दिखाई पड़ने लगे। यही उसका पुरुषार्थ है, यही उसकी सिद्धि है। अगर भगवान सब जगह है तो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते? उसका उत्तर तो मैंने दिया ना कि देखते देखते जब आपको दिखाई पड़ जाए तब मानिए। अगर आप में देखने की योग्यता नहीं आ पाई है तो नहीं दिखाई पड़ेगा। हम लोगों के देखने में ईश्वर नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखो तो इस संसार की हर वस्तुओं को देखते देखते उसका दिव्यत्व प्रकट हो जाए, ईश्वरत्व प्रकट हो जाए। इसी मंच से मैंने एक साल दो साल पहले कहा था कि ईश्वर का दर्शन आपको हुआ है, किसी ने प्रश्न पूछा था। मैंने कहा दिन में रोज़ दो बार करता हूँ। जब मेरे सामने अन्न की थाली आती है तब उसमें मुझको ईश्वरीयता दिखाई पड़ती है। इस अन्न को खाते खाते 75 साल बीत गया, अभी तृप्ति नहीं हुई। इसके पहले युग युगांतर जन्म जन्मांतर से हम इसी अन्न को खाते आ रहे हैं, अभी तृप्ति नहीं हुई। सुबह बनाते हैं, दोपहर में खा लेते हैं, दोपहर को फिर शाम को भूख बढ़ने लग जाती है, फिर बना के। इस अन्न में क्या ऐसी विशेषता है जिसको आप बार बार खाने के लिए तरह तरह से चेष्टा कर रहे हैं? यह उसकी ईश्वरीयता है। जो धीरे धीरे अन्न की ईश्वरीयता को देख लेगा वही ईश्वर का साक्षात्कार है। ईश्वर केवल एक रूप नहीं है कि हमारे सामने हाथ पैर वाला खड़ा हो जाए। हाथ पैर वाला भी खड़ा होगा अगर कोई ऐसा भक्त मिले जो उसको हाथ पैर से खड़ा कर ले तो खड़ा भी हो जाएगा। लेकिन जो दुनिया हमारे सामने बिछाई गई है, इस दुनिया की किसी चीज़ को कोई हटा नहीं सकता। परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि देख लो, समझ लो, लेकिन यहाँ भी कोई चीज़ उठा के ले जाना चाहो तो नहीं ले जा सकते हो। इसलिए ईश्वर की उत्पत्ति अपने भाव पर निर्भर करती है। अगर हमारा भाव श्रेष्ठ है, हमको देखना आता है, हमको सुनना आता है, हम उसको देख सकेंगे, उसकी बोली सुन सकेंगे, उसका साक्षात्कार कर सकेंगे, ये हर व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। जय जय श्री राधे। हाँ, अब भक्ति के दृष्टिकोण से सबके हृदय में भगवान बसे हुए हैं, इसके लिए केवल दृष्टि चाहिए। भाव और प्रेम से सेवा करने से ईश्वर नजर आने लगता है, क्योंकि भाव और प्रेम केवल मनुष्य मात्र के पास नहीं, जीव मात्र के पास है। प्रेम से कुत्ते को भी आप सहलाइए, उसे रोज़ प्रेम दीजिए, उसे रोटी खिलाइए, वो आपका बन जाता है। तो क्या मानव बसा हुआ एक दूसरे से प्रेम करने में और सेवा करने से अपना नहीं बनेगा? वो भाव और प्रेम से जो अपना बनता वही ईश्वर है, बाकी शिव है, बाकी शव है। मैं बीच में थोड़ा सा एक बार बोल जाती हूँ कि कल भी परसों भी जो कुछ कोई मेरी बोलने में कोई चूक हो जाती है या गलती हो जाती है तो मैंने शुरू में ही कहा था कि उसे आप मेरी बालक समझ के जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा करें और जो अच्छी बात लगे वो गुरु कृपा मान लें। भगवान रहते हुए भी आपने कहा कि सब जगह भगवान है, हमें क्यों नहीं दिखते? क्यों नहीं दिखते? हमें पता है, हमें बुद्धि से पता है आप में भी भगवान है, सब में भगवान है, सब इधर भगवान उधर भगवान, सब में भगवान, क्यों नहीं दिखते? बड़े अच्छे प्रश्न है। भगवान इसलिए नहीं दिखते कि हमारी आंखों पे संसार की आसक्ति की पट्टी बंधी हुई है। हम आसक्ति से बंधे हुए हैं, हमें आसक्ति से हमने कुछ जनों को अपना मान रखा है। कुछ दो चार दो जो वे मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे जो कुछ जनों को अपना मान रखा है उसने जकड़ लिया है हमारी आंखों पे, उसकी पट्टी होने से हमें भगवान की पट्टी, भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। अब आगे बहुत सारे प्रश्न हैं पर ये कभी और करेंगे क्योंकि आज भी घड़ी बहुत जोर चल रही है। हमने कल ध्रुव जी के दर्शन के तक, ध्रुव जी के दर्शन तक पहुंचे और ध्रुव जी वहां पहुंचने के बाद, ध्रुव जी को दर्शन करने के बाद उनकी जो ध्रुव जी ने स्तुति की है वो देखने लायक है। सुन के प्रभु, मैं बहुत बालक हूं, मैं छोटा सा बालक,
पांच बरस का सात बरस का बालक कैसे स्तुति करेगा? आपकी कृतज्ञता को मैं भूल नहीं सकता हूं। आप कृपा करेंगे तो मैं कुछ आपसे बोल सकता हूं, नहीं तो नहीं बोल सकता। नाया मता प्रचने न लभ्यो न मेधया न बहुना सुते न ये मे वेश वृणुते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा वृणुते तनुस्वाम। भक्ति की नहीं जाती, भक्ति भी होती है। जब किसी के हो जाते हैं तो उसकी भक्ति हो जाती है। हमको लगता है पांच बरस में इतनी क्या अकल आ गई थी कि ध्रुव जी को मिल गया। कई दफे प्रश्न उठता है कि पांच बरस के ध्रुव जी को कैसे मिल गया। ऐसी बात नहीं है, पांच बरस के ध्रुव जी को नहीं मिला। ध्रुव जी ने पहले जन्म में बहुत ज्यादा कर रखी थी तपस्या, साधना, भक्ति में। पांच वर्ष उनकी साधना के शेष रह गए थे। अगर आप देखेंगे तो गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कि बाकी सब चीज तुम चले जाते हो तो खत्म हो जाती है, लेकिन अगर तुम जो साधना करते हो, जहां तक तुम्हारी साधना हुई है, चाहे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम जो प्रकार की साधना है, वो मिटती नहीं है। वो अगले जन्म से वहीं से यात्रा शुरू हो जाती है। तो जहां से यात्रा शुरू होती है वो यात्रा करते 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 कितने जन्म लेता है, लेकिन ध्रुव जी की सिर्फ पांच वर्ष की साधना बाकी रह गई थी, इसलिए यहां पे उनके पांच वर्ष की साधना से उन्हें दर्शन प्राप्त हो गए। मुझे ठीक से याद नहीं है, मधुसूदन सरस्वती या कोई वाचस्पति जी ने पांच, एक बोलते हैं कि एक गोपाल यज्ञ करने से, एक गोपाल का पुरस्करण करने से भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन उन्होंने 10-11 किए लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने कहा छोड़ो ये सब लिखते हैं लेकिन भगवान के दर्शन तो होते नहीं हैं। उन्होंने क्या किया, छोड़ करके चल पड़े। तो 12वें में भैरव जी वहां से निकले और भैरव जी ने कहा एक और पुरस्करण कर लिए, मैं आपके सन्मुख नहीं आ सकता हूँ, आपने इतने पुरस्करण कर लिए। तो बोले एक में गोविंद दर्शन देता है, ये 10-11 कर लिए फिर भी दर्शन नहीं दे रहा, क्या बात है। उन्होंने कहा एक मेरे कहने से और करिए। उन्होंने उनके कहने से एक दर्शन, एक पुरस्करण और किया। वो पुरस्करण से भगवान प्रकट हुए। तो बोले महाराज ये पुरस्करण किया तो आप प्रकट हो गए, लेकिन पिछले मैंने 10-11 किए उसका क्या। तो बोले पीछे मुड़। तो पीछे मुड़ के देखा तो 11 पहाड़ जल रहे थे। बोले ये तेरे 12 जन्म का पाप खत्म नहीं होता तब तक मैं तेरे सन्मुख आता कैसे, इसलिए ये जितने पुरस्करण किए इतने पिछले जन्मों के पापों को खत्म करके मैं तेरे सन्मुख आया हूँ। उसी प्रकार ध्रुव जी को दर्शन हुआ है तो कितनी साधना के पश्चात। बहुत लोग कहते हैं ध्रुव जी को पांच बरस में हो गया, हम अभी से साधना करेंगे तो पता नहीं हमारे कितने जन्मों के पाप कटते हैं। कई दफे हम सोचते हैं कि हम इतना भगवान का नाम लेते हैं भगवान हमारी कुछ नहीं सुनता। अरे हमारे कितने पाप कट रहे होंगे हमें क्या पता, हमारे पास इतने पहाड़ जितना कष्ट आने वाला होगा पर भगवान ने हमें शूल जितना कष्ट दिया होगा, हमें क्या पता है। बिल्कुल ध्रुव जी ने भी यही कहा कि मैं आपकी प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, मैं बालक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। भगवान ने अपना शंख उठाया और शंख उठा करके और उनके गाल पे लगाया, गाल पे लगाया और वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भी सच्चे ज्ञानी भक्त जन आपको छोड़ नहीं सकते। ध्रुव कुमार ने बहुत, मुझे स्तुतियां बहुत पसंद है, स्तुतियां बहुत पसंद है। नाथ जब आपके लाडले भक्त आपका दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए आपकी कथा करें तब वह सुनने का सुयोग मुझे देने की कृपा करें। यह आनंद तो योगियों के ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। इनको और बोल लो बजाने के लिए थोड़ा सा। ध्रुव कुमार ने कहा उनकी तो इच्छा है जिनका हृदय कृष्ण प्रेम में रस में लीन हो गया है। देखिए हम लोग भक्ति करते तो हम जानते हैं भगवान आप मेरे को ये दे दीजिएगा, भगवान आप मेरे को वो दे दीजिएगा, क्या मांगते हैं हम, भगवान आपको हम दीजिए। उन्होंने ये नहीं मांगा, उन्होंने कहा जिनका हृदय कृष्ण में प्रेम में लीन हो गया है उनकी कथा हम सुने। ज्ञानी की कथा और भक्त हृदय की कथा में अंतर है। ज्ञानी को ब्रह्मानंद प्रिय होता है पर भक्तों को परमानंद कृष्णानंद प्रिय होता है।
थोड़ा सा फर्क है, जो निष्काम है, जो निर्विकार है, उस किसके मन का निरोध हो चुका है, उससे जो आनंद मिलता है, वो ये गूढ़ बोले वो ब्रह्मानंद है। और भागवत में ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे तो भागवत की, भगवान की, भक्त की कथा में जो आनंद आता है वो श्रेष्ठ है, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। यह विरोधाभास क्यों? एक को ब्रह्मानंद, एक को परमानंद। महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से समाधान किया है इसके बारे में, किंतु इसमें एक दोष है। एक आनंद भोग्य है, वैसे तो ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा, लेकिन ब्रह्मानंद एक को आनंदित कर सकता है, ब्रह्मानंद एक को आनंदित कर सकता है, लेकिन जो कथा का आनंद है वो अनेकानक को आनंद दे सकता है। ये केवल कथा के आनंद में और भगवान की भक्ति का आनंद है, जो कीर्तनम श्रवणम आगे प्रहलाद जी बताएंगे उस तरीके से आनंद आता है। कथा श्रवण सभी को एक साथ आनंद देता है। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु ने कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तू मुझसे चाहे जो मांग सकता है, क्या मांगू और क्या नहीं। ध्रुव जी ने कहा, मुझे आपके चरणारविंद के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने भी यही, नरसिंह मेहता ने भी यही वर मांगने को कहा था, लेकिन नरसिंह मेहता ने भी ध्रुव जैसा ही उत्तर दिया था कि मुझे और तो सब मिला हुआ है, पर मुझे भी रासलीला में प्रवेश मिले। ध्रुव जी ने कहा, तो प्रभु ने कहा, कुछ कल्पों तक तुम यहाँ शासन करो, तुम्हारा यहाँ का पूरा हो जाए, उसके पश्चात मैं तुम्हें अपने धाम में ले चलूंगा। प्रभु ने कहा, चिंता ना कर, ऐसा कभी नहीं होगा। बोले, आप मुझे यहाँ छोड़ेंगे और फिर मैं संसार में रम गया तो? ऐसा ध्रुव जी ने कहा। बोले, नहीं, चिंता मत करो, ऐसा करो, छोटे बच्चे को चाहे आनंद हो या ना हो, जे राखे रघुवीर ते उभरे ते काल महू, जो ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है जगत उसी के पीछे दौड़ने लगता है। देखिए, जगत वही जगत दौड़ेगा उनके पीछे जो कि प्रभु को चाहता है, प्रभु से प्रेम करना चाहता है। परमात्मा जिसे अपना बना लेते हैं, शत्रु भी उसकी वंदना करने लग जाते हैं। आगे कथाएं आएंगी, यदि तुम पीछे लग जाओगे तो, यदि तुम पीछे लग जाओगे तो जगत तुम्हारे पीछे लग जाएगा। यह उत्तानपात की उनके ध्रुव कभी अपमान किया था, आज उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। देखिए, जिस उत्तानपात के कहने से वो गए आगे, वहीं उनके स्वागत के लिए, बेटा बेटा बेटा, राजा की आंखों में आनंद अश्रु बह रहे हैं, राजकुमार वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पिताजी, आप ही की कृपा से मुझे दर्शन हुए। आपने अगर सुरुचि रानी के पहले गले लगे, सुनीति के नहीं लगे, अपनी मसुरुचि रानी के गले लगे, आपने मुझे इतना नहीं किया होता, आपने मेरा अपमान नहीं किया होता, तो मैं वहां भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त था। कितना सयाना है बालक। सुनीति के हृदय तो दूर देखे, जो असली माँ होती है ना, जो रियल में माता अपने बच्चे को, दूसरे उसको अच्छे कहते हैं ना तो ही अच्छा लग जाता है कि जग सराए। बोलते हैं, अपना पुत माँ के सराए नहीं सरीसता है, जग सराए सरीसता है। जब जग अपने पुत को सराने लगता है तो माँ का हृदय भर आता है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जासुसुत होई। ध्रुव कुमार का राज्याभिषेक कराया गया और भूमि के साथ विवाह कराया गया। एक बार उत्तम शिकार खेलने गए वन में, वहाँ पे उनको यक्ष के साथ युद्ध हुआ और वहाँ मृत्यु हो गई। देखिए, ध्रुव जी ने भी वहाँ जाने के बाद भीषण युद्ध करके यक्षों का संहार करने लगे। उसमें महाराज मनु वहाँ पधारे, उन्होंने कहा, बेटे, वैष्णव कभी जीव से बैर नहीं करते, तुमने भगवान के दर्शन किए हुए हैं, ये क्या हो गया? अब बताइए, कल मैंने कहा था, परसों भी कहा था कि ध्रुव जी को भगवान के दर्शन होने के बावजूद भी वो क्यों बैर लिए और क्यों मारे? सत्संग की कमी। निरंतर सत्संग करना चाहिए। मैं हमेशा पूछा करती थी महाराज जी से, महाराज जी, रोज रोज क्या गीता का पाठ, रोज रोज क्या सत्संग? उन्होंने एक लाइन दी थी, वो लाइन मुझे अभी याद आ गई। भज राम सिया तू फेरहिए में कांग सिया, भज राम सिया तू फेरहिए में कांग। इसका अर्थ क्या?
बोले कि रोज तुम झाड़ू निकालती हो सवेरे, फिर शाम को झाड़ू निकालती हो, पर कचरा आता ही रहता है। जब तक संसार में रहोगे तब तक विषयों का कचरा तुम्हारे आता ही रहेगा। तो हृदय में जो कचरा जमेगा तो राम सिया फेर करके, जैसे बालों को रोज कंघे से बनाती हो वैसे फेर राम सिया का, राम सिया का कंघा अंदर रोज फेरते चलो। ये महाराज जी कहना कि सत्संग नित्य प्रति करना चाहिए, नित्य प्रति, अपने से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, वयस्कों के प्रति मैत्री, और सबके साथ समान भाव से हरि प्रसन्न होते हैं। ध्रुव जी गंगा जी किनारे सुन करके गंगा जी के किनारे चले गए और वहां बैठ करके भजन करने लगे। एक बार ये भी बात सुनने जैसी है, नहीं तो आगे चल जाते। एक बार भगवान की आज्ञा से ध्रुव कुमार का विमान पहुंचा और पार्षद लेने के लिए आए। देखिए ध्रुव जी का जो ही विमान ऊपर की ओर चढ़ा, ध्रुव जी ने कहा कि ठहरो, मेरी माँ का विमान कहाँ है? ये कोई इन्हीं में ताकत थी कि मेरी माँ का विमान कहाँ है, क्योंकि वो माता को गुरु मानते थे, अपने से ज्यादा माता को मानते थे। और माता का विमान मांगने की वजह से उन्होंने कहा, देखो ध्रुव जी ऊपर देखिए। ऊपर देखा तो माँ का विमान उनसे ऊपर चल रहा था। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। गंगा तट छोड़कर वो जाने के लिए गए और बोले, मैं तुम्हें छोड़कर वैकुंठ जा रहा हूँ। ध्रुव जी वैकुंठ गए। विनय की मूर्ति आज भी ध्रुव जी का लगा हुआ है। मृत्यु देव के सिर पर पांव रख करके ध्रुव जी गए। ध्रुव का दृष्टा, ध्रुव की, इससे हम यह आशय समझते हैं कि कठिन से कठिनतम कार्य भी अगर मन में अटल निश्चय कर लिया जाए तो पूरा होता है। देहम वा पातियामी कार्यम वा साधियामी, कार्य सिद्ध करूंगा नहीं तो देह त्याग कर दूंगा। कितना बड़ा निश्चय भगवान उसके आगे झुके। बाल्यावस्था में जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें ही भगवान मिल पड़ते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है, लेकिन इसी जन्म में अगर हमें लेना हो तो बाल्यावस्था से भक्ति की जानी चाहिए। सुनीति की भांति हम सब बहनों से, मेरी सब नारियों से, जो कि मैं तीन दिन से नारी पर बोल रही हूँ, मेरी सब माताओं से प्रार्थना है, और बहुत जोर करबद्ध प्रार्थना है कि अपने बालकों को बचपन से संस्कारित किया जाए। कहाँ संस्कृति जा रही है, बचपन से इंग्लिश के दोहे रटाए जाते हैं, इंग्लिश की चीजें रटाई जाती है, लेकिन ये नहीं रटाया जाता कि दो चार श्लोक रटा दो, दो चार दोहे रटा दो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। ध्रुव चरित्र की समाप्ति पे मैत्रेय जी ने कहा कि नारायण सरोवर पे किनारे तप कर रहे थे, विदुर जी ने कहा कि ये प्रचेता कौन, किसके पुत्र थे? मैत्रेय जी विदुर जी को और सुखदेव जी को परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं। ध्रुव जी के वंशज थे प्रचेता। उनमें एक राजा हुआ अंग, और अंग के थोड़ा सा भागवत की तरह बोल रही हूं मैं। फिर बेन राजा के शासनकाल में अधर्म बढ़ गया तो उनके शरीर का मंथन किया गया। मंथन करने के बाद पाप निकाल दिया गया और उनके नीचे का भाग उत्तप नहीं है तो बाहुओं का मंथन किया गया, और बाहुओं के मंथन वेद मंत्रों के द्वारा वहां पे पृथु महाराज का प्रागट्य हुआ। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप है, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ हैं। यदि यह किसी विषय में बंधन में फंस जाते तो आत्मस्वरूप में लीच हो गए। हालांकि चलना तो पृथु महाराज की कथा भी सुनानी चाहिए, लेकिन आगे आगे बढ़ना पड़ रहे हैं। पृथु ने भगवान से दो प्रार्थना करी कि मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहां आपकी कीर्ति की कथा सुनने नहीं मिल सकती। देखिए अलग अलग टाइप के भक्त होते हैं। उन्होंने कहा मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, जैसे मैंने भी कहा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे ब्रज भक्ति चाहिए, मुझे ब्रज में पैदा कर देना। वैसे इन्होंने भी कहा कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति बनने के बाद मेरे को कथा का मन ही नहीं गा। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दे दें। कोई मांगेगा इतना? 10,000 कान दे जिससे मैं आपकी लीला और कथा सुनता रहूं और रस पीता रहूं। आपके एक चरण की सेवा लक्ष्मी जी करे, दूसरे चरणों की सेवा मैं करना चाहता हूं।
चरणों की सेवा वो ही कर सकता है जिसे चरण प्रिय हो। पृथु राजा ने धर्मान एक बार चरण की लाइन ले ले, चरण आते हैं तो मेरे कुछ हो जाता है। मेरे तो आधार श्याम श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्याम श्याम के चरणारविंद, मेरे जीवन धार श्याम श्याम के चरणारविंद, मेरे जीवन प्राण श्याम श्याम के चरणारविंद, मेरे प्राणाधार श्याम श्याम के चरणारविंद, मेरे श्याम 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 के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के पदारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के पदारविंद, अरे श्याम के चरणारविंद, श्याम के पदारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्याम के पदारविंद, मेरे तो आधार श्याम श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार चरणारविंद। प्रभु चरणारविंद की जय। पृथु राजा ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया, उन्होंने अपने प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। ऐसा ही राजा होना चाहिए जो कि अपने प्रजा को धार्मिक शिक्षा दे, मर्यादा से पालन करे। वो गाय ब्राह्मणों की सेवा करते थे, हम भी बरसों से 50 वर्षों से गोहत्या बंद हो गोहत्या बंद हो इसका रटन लगाए जाते हैं, पर बंद होती नहीं। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर ही प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलते हैं, प्रजा सुखी होती है। ये आज बरसों से नहीं, कितने कितने बरसों से सभी बोलते जा रहे हैं, लेकिन हम अभी तक जागे नहीं। उनके सत्संग से, सनत कुमार के सत्संग से राजा पृथु को वैराग्य आया। प्राचीन बही राजा के यहाँ प्रचेता हुए, प्रचेता नारायण सनोवर के किनारे गए और नारद जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया। नारद जी प्राचीन भी राजा को समझा रहे हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से जीव मुक्त हो जाए। राजा ने कहा, आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं, जो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं सकता वो ईश्वर को क्या पहचानेगा। स्वयं के स्वरूप को पहचानने की, जिस दिन अपने स्वरूप को पहचानने का बोध आ जाएगा उसी दिन ईश्वर सब तरफ नजर आने लग जाएगा। हम पहले स्वयं के स्वरूप को ही नहीं पहचान पाते हैं, तो बोले कैसे पहचाना जाए। तो कहा उन्होंने कि मैं तुम्हें इसके बारे में एक कथा सुनाता हूं। नारद जी ने प्राचीन से कहा कि दो मित्र थे, एक कथा है। एक पुरंजन नाम का राजा था, उसके एक मित्र था अविज्ञात। ये पुरंजन और ख्यान सभी लोग सुनते, बड़ा जरा मेरे को भी पहले जरा टेढ़ा मेढ़ा लगता था, क्या पुरंजन, लेकिन इसके अंदर आशय बहुत अच्छा है। पुरंजन और अविज्ञात दोनों दोस्त थे। ईश्वर ही अविज्ञात है और पुरंजन जीवात्मा है। ईश्वर अज्ञात रूप से हम सब जीवों की सहायता कर रहा है, लेकिन हम सब पहचान नहीं रहे। एक दिन पुरंजन ने कहा कि मुझे घूमने जाना है। अरे भाई क्या तकलीफ है, क्यों घूमने जाना है, मित्र चलो कहीं ना कहीं तो भ्रमण करने चलें। नहीं मित्र, मेरी इच्छा नहीं है, हम दोनों साथ में मौज कर रहे हैं। जैसे एक बीच में लाइन याद आ गई, प्रणामी संप्रदाय में सब सखियां ठाकुर श्यामा श्याम के पास बैठी थी। वहां बैठे बैठे उनके मजे, हम भी दुख का खेल देखेंगे, हम भी सुख दुख का खेल देखेंगे। ऐसे ही हो जाता है कभी कभी जीवात्मा में। वो सुख दुख का खेल देखने के लिए वो लोग यहाँ बोले, देखो तुम मत जाओ, भगवान कहते तुम मत जाओ, तुम उसमें भूल जाओगी माया में। बोले नहीं नहीं, हम नहीं भूलेंगी, हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे जीवात्मा एक दूसरे को पकड़ करके जो भी भूलेगा उसको याद दिलाएंगे, उसको याद दिला के कहेंगे कि चलो
चलो चलो यहाँ नहीं, हमारा धनी धनी कोई और है, हमारा पति कोई और है, चलो हम सब एक दूसरे को सुना के करेंगे। लेकिन क्या करें, वो सखियाँ वहाँ पे अनार के दानों की तरह मिली हुई थी, वो यहाँ आने के बाद न्यारे न्यारे अपने पति पुत्रों में खो गई और सुख दुख के खेल खेलते खेलते दुख के समुद्र में डूब गई। वही चीज अविज्ञात ने कहा मत चलो, पुरंजन चला, परमात्मा की लीला सारी अवज्ञात है। अरे भाई तुम घूमो तो घूम आओ, लिस्ते हाँ मित्र घूमने तो जाना ही है। अपने घर से भ्रमण के लिए निकला, छोटे छोटे शहर बड़े बड़े शहर घूमा, एक आगे चलते चलते उसे नौ दरवाजे का एक सुंदर नगर दिखाई पड़ा। पुरंजन उसमें प्रवेश कर गया, उसके अंदर जाके देखा तो महल में एक सुंदर युवती बैठी है। पुरंजन ने उस युवती से परिचय पूछा, भैया कौन? बोले मैं पुरंजनी। देखो कोई को अगर किसी को बुलाना हो तो पटाक कहते मैं पुरंजनी। बोले मैं पुरंजन, तुम पुरंजनी? हाँ मैं इस नगर की मालकिन हूं, मैं इस नगर की मालकिन, दस दस सैनिक है मेरे पास, दस सैनिक और एक सेनापति।